ये देखो गाइस, नानी बुढ़िया कहाँ तुम चलो नानी वहाँ गोवा। कैसे हो नाना, पहचाना बताओ पहले। बस रुको रुको गाइस, सामने पुलिस वाला खड़ा है। सो गाइस, ये वाले ब्लॉग की जो स्टार्टिंग होती है उसके नेक्स्ट डे से, एंड आज जो है ना भाई 9 फरवरी है। चाय पी रहे मौसी क्या? जैसे कि कल वाले ब्लॉग में दिखाया था कि गाड़ी जो है भाई वहाँ खड़ी है, और भाई कल वाले ब्लॉग में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए थे। रीज़न क्या था कि भाई कल इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम आने के बाद जो है ना गाइस हम सो गए थे, बहुत ज़्यादा हम थके हुए थे। तो अभी जो है ना जा रहे हैं भाई नैनी, तो आपको दिखाएंगे भाई नया वाला पुल। शायद नए वाले पुल से जाएंगे या पुराने वाले पुल से जाएंगे ये तो बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन कल तो भाई बहुत ज़्यादा थक गया था। बाकी आज जो है ना जा करके देखते हैं भाई क्या सीन होता है। और इधर देख सकते हो भाई, सो फटाफट जो है गाइस चाय वगैरह पीते हैं और आपको रोड दिखाएंगे। भाई सच में यार इलाहाबाद क्या बन गया है, मतलब क्या रोडें हो गई, मतलब छोटा सा है बट लेकिन यार बहुत प्यारा बना है भाई। इधर उधर जिधर देखो भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भाई मॉल वॉल कुछ ना कुछ भाई सब बना ही हुआ है। तो भैया कहीं जाने से पहले क्या होता है ना भाई, जूते मोजे जो ना पहन करके जाया जाता है, और भाई जब तक जूते मोजे साफ ना हो ना मज़ा भी नहीं आता। तो भैया जूते मोजे वगैरह पहन लिया है, और ये देखो ये रही हमारी मौसी, बर्तन जा रही साफ करने मौसी। अब बाकी लोग को दिखा सकते हैं, ये देखो भाई अंदर बैठे, वो देखो नानी बैठी है सामने, मम्मी वो बैठी, वो देखो। और हमारे पापा को तो इतनी ज्यादा जल्दी हुआ करती है ना, मतलब ओम ओम ओम, घर का नाम ऐसे ओम है। वो देखो पापा हमारे वो खड़े हुए हैं, सुकून नहीं रहता घर पे, ये रहता है। तो फटाफट जो है गाइस चलते हैं गाड़ी पे और देखते हैं पापा जो है क्यों इतनी देर से हमको जो है चिल्ला रहे ओम 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 ओम, वो देखो खड़े हुए हैं। ये देखो भाई इलाहाबाद सुबह सुबह देखने में बड़ी मजा आती है भाई। अभी जो ना गाइस हम लोग जा रहे हैं, पापा कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नैनी जा रहे हैं गाइस। सो नैनी जा रहे हैं अभी मौसी को लेने के लिए, और आपको दिखाएंगे भैया अपने कोको से। कोको तो काफ़ी बड़ा हो गया होगा, पहले शायद आप लोग ने देखा होगा पहले वाले ब्लॉग में, जो मेरे को बहुत स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा ये चीज़। और भाई सब जगह यहाँ पे ग्रीन लाइट रेड लाइट यही वाला सिस्टम है भैया। पुल के नीचे आ गए गाइस, पुल के नीचे तब मज़ा आएगी जब G900 की एक वो देंगे रेव। गाइस सामने पुलिस वाला खड़ा है, बगल से निकलेंगे। अंकल जी रोको रोको, हटो, रोक लो हमको, रोक लो। पापा टाइट। पापा कहते हैं कि काहे के लिए पंगा ले रहे हो। वो देखो अरे सीटी मारो, सीटी। लाइसेंस चेक करो मेरा है कि नहीं है, कानपुर वाले। हम लोग तब इलाहाबाद आए जब संगम का गाइस मेला खत्म हो गया एकदम, नए वाले ब्रिज पे जो है आ गए हैं। जाओ भैया निकल जाओ, लो निकल जाओ, जाओ एक नहीं तीन तीन बैठा ले हो, उसके बाद भी इतनी तेज चल लो बेवकूफ। संगम वाला पुल वापस इतना बढ़िया बना है नया, ये अच्छा लगता है जब यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस ये देखो भाई अभी जो है ना काफी इंतजार के बाद जो है ना भाई आ गए हैं भाई मौसी क्या। अब भाई गाड़ी देखो हमने कैसे लगाई है, देख रहे हो, मतलब तुम्हारे भाई की रंगबाजी देखो, मतलब गाड़ी देखो इधर से ना पूरी एकदम दब गई, देख रहे हो। और देखो भाई मौसी का हॉस्पिटल है यहाँ, नैनी आए हुए हैं। सो फटाफट जो है गाइस चलते हैं ऊपर। वो देखो कोको कोको कोको, ये देखो इनको उछलना चालू। बस रुको। हाँ बाबा रुको। हाँ रुको। रुको एक्साइटेड हो रहा है ना, अबे आने तो दो प्रभु आने तो दो। बस अरे तार गई, रुक जाओ जरा। तो कर दिया। तो भैया ये देखो यार गाड़ी की एसी हवा चल रही है, एसी चल रही है, कोको हमारी हवा खा रही है। ये देखो कोको ये देखो गाइस देख रहा हूँ उसको, कृतिका देख लो अगर देख रही हो, अगर ब्लॉग देख रहा है इसको देख रहा है यार। अरे बाबा गाइस देख रहा कितनी तेज भौंक रहा है, मॉल पर आ दे गई ये। कोको किसको भौंक रहा है, कोई मिल गई है क्या? अरे वो सामने पंडित जी वो पंडित जी है। गाइस चाहे गाड़ी कहीं भी खड़ी कर दो बट लेकिन ऐसी जगह पे मत खड़ी करो जहाँ पे मतलब कि ये जो है ना नाले वाले का ना भाई पानी ना पड़ा हो,
कोई गाड़ी वाला भाई निकला होगा, पूरी की पूरी गाड़ी देख रहो, ये देखो मतलब मर मर के भाई साफ करवाते हैं और फिर उसके बाद ये कंडीशन होती है ना तो बहुत ख़राब लगता है देख करके सच में यार। गाड़ी के अंदर आ जाने के बाद ऐसा फील होता है कि हाँ भाई कहीं आ गए। और देखो भाई बगल से ना कितनी बड़ी बस फस निकल रही है यहाँ पे। आगे जो है ना गाइस वो एक क्या बोलते हैं सिविल लाइन बस स्टैंड है ना, तो यहाँ पे ना बहुत बस आती है, मतलब प्रॉपर रात दिन जो है ना बस आती ही रहती है। भाई अभी जो है ना भाई जा रहे हैं, नानी आ रही है गाड़ी पे, तो पापा बैठे हैं, देखो नानी आ गई, देखो मम्मी बैठी हैं, आओ नानी क्या नानी बुढ़िया कहाँ हो तुम चलो नानी वहाँ गोवा वो देखो बहुत ही ऊपर है देखो। तो भाई अभी जो है ना भाई यहाँ आप देख लो भाई अपनी गाड़ी जो है ना लगवा दी और जीवन ज्योति हॉस्पिटल के जस्ट बाहर ही है। कैमरा जो है ना गाइस अंदर अलाउड नहीं होता, सो फटाफट जो है ना भाई मम्मी को दिखा करके आते हैं, फिर आपको जो है बताते हैं कि भाई क्या हुआ आगे प्रोसेस जो है ना भाई। यहाँ पे एक अंकल ये ना जो कटलेट बनाते हैं, सो जाते हैं देखते हैं कहाँ है उनकी शॉप। तो गाइस ये देखो भाई हमने जो ना कटलेट ले लिया, और ये देखो भाई ये रहा रेलवे स्टेशन जस्ट इसके बगल में ही है। पहले खाते तो मज़ा आती थी और अब देखते हैं वही टेस्ट है कि नहीं। इससे पहले 6 महीने पहले आए तो यहीं पे खाया था, बट यहाँ पे ना कोई अंकल जी मिले थे, अभी ना कोई भैया मिले। भाई अभी जो है ना भाई रात हो गई समझ रहे, एकदम आ चुका है कटरा। बहुत देर से ना गाइस घूम रहे थे, रास्ता भूल गए थे, यहाँ का गूगल मैप पे डाला रास्ता, सब कुछ मिल गया हमें। मतलब कभी भी ऐसा हो कि भाई घूम रहे हो मतलब जगह नहीं मिल रही, बस गूगल मैप पे एक बार डालो भैया कहाँ जाना है, आपको हर जगह का रास्ता मिलेगा। ये देखो ओहो ये देखो कितना बड़ा हो गया है, पहचाना बताओ पहले हाँ। क्या नाम है तांडुता क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तांडुता अच्छा हमको जानते हो हाँ। क्या नाम है भैया भैया कौन भैया नाम होता अच्छा हाँ ये इधर देखा इधर देखा कितना बड़ा हो गया उधर जो है ना प्यार यार चल रहे ओ बुआ के पैर छुए जा रहे गाइस नाना देखो गाइस नाना सो रहे सो रहे हो क्या नाना कैसे हो नाना नहीं ओम ओम कानपुर अच्छा कैसे हो नाना तबियत कैसी है हैं आओ उठो नाना विनीता विनीता कौन है हाँ विनीता है बस विनीता ही है विनीता हुआ है हाँ 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 बुला लो ये हाँ मम्मी ए मम्मी नाना बुला रहे। अभी जो है ना भाई ऊपर वाले रूम में आए भाई क्या सीन लग रहा है यार एक सीन अभी आपको दिखाते हैं ना भाई यहाँ से ऊपर से ये देखो भाई तुम चेकआउट करो यार भाई गाड़ी चेकआउट करो नीचे खड़ी है वो अंगूर वाला खड़ा है मम्मी कह रही थी यहाँ खड़ी करने का 500 रुपये ले लिया करो हमने मम्मी पगला हो क्या तुम कहा है किसी का धंधा चौपट कराओगे और फिर मम्मी गई उसे क्या कहते हैं अंगूर लेने के लिए तुमने भाई मैंने कहा का एक पैसे का डिस्काउंट बता देने एक पैसे का अरे हाँ हाँ नाना अब नाना कुछ बोलो हाँ भैया वो महाराज हंसी आ रही है देखो नाना हमारे बैठे हैं मम्मी खिला रही अभी जो है ना भाई शिवम जो है ना आ रहा है कैप्चर तस्वीर शायद आप लोग ने ब्लॉग देखा होगा मेरा सो वो हमको ना मिला था इस्कॉन टेम्पल वाले ब्लॉग जब बनाया था ना वहाँ पे सो अभी जो ना भाई वो आ रहा है क्या हाल चाल बढ़िया तो तब तो काले हो गए पहले गोरे थे काले पहले गोरे थे काले हो गए चक्कर क्या हो रहा तुम्हारा भाई ये है ना एग्जाम भाई पता है ये लड़का मैं मिला था कब पिछले साल मिले थे ना पिछले जन्माष्टमी इसके पहले जन्माष्टमी इस्कॉन में मिले थे कानपुर में मिले थे पता है इसके साथ पूरा वाला इस्कॉन टेम्पल घूमा था पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी गली में इस्कॉन टेम्पल के अंदर घुस गया था पता ही नहीं था और आखिर भाई तुमने वो भी खिलाया था खाना कौन सा था बढ़िया वाला इस्कॉन का हाँ इस्कॉन का खाना भाई बहुत मज़ेदार खाना था सच में भाई अगर इस्कॉन जा रहे हो तो इस्कॉन का खाना जरूर ट्राई करना एकदम प्रसादम सॉरी प्रसादम हाँ प्रसादम वो सही था प्रसादम हाँ मतलब बजट वाला माल मिलता है उसमें बजट वाला अभी कौन सा माल मिलता है यहाँ पे अभी सब क्या है ना मंगलवार को ये दुकानें बंद रहती है अच्छा यहाँ कहाँ मिलते रहता है देख रहे हो शिवम को मतलब मंगलवार को मार्केट बंद रहती है पता नहीं क्या क्या जो है बता रहा था यहाँ पे देखो भाई कटरा चौराहा यही है क्यों क्या लेके चल लो क्या दिखाने लेके चल लो ये बताओ क्या दिखाओगे आज क्या दिखाओ बताओ हमें बताओ क्या दिखाओगे कुछ अच्छा हो दिखाना हो तो भाई दिखाओ भी बाकी मार्केट तो भाई देख ही सकते हो आप लोग कैसी हो रखी है भाई यहाँ की देख सकते हो भाई मार्केट जो है ना भाई अभी यहाँ पे ना मतलब ख़त्म होने वाली है और शिवम बता रहा भाई यहाँ पे ना एक अच्छी चाय मिलती है कहाँ पे मेरे फ्रेंड का कैफे है टी टेक
टी टेक बहुत अच्छी तरह। तो गाइस जानते हो भाई तुम्हारा भाई जो ना चाय का बहुत बड़ा दीवाना है, तो बस ये वाले चौराहे से ना सीधे जाएंगे भाई टी टेक वाले की शॉप में और वहाँ पे पियेंगे चाय और बताते हैं भाई कैसी चाय है। क्यों शिवम? बढ़िया सही है एकदम। देख सकते हो भैया हम और शिवम जो है ना भाई जा रहे थे भैया यहाँ पे हाइट नापते हैं। भैया कितनी है हाइट? 177.5 5 फुट 10 इंच यानी 5 नीचे हटा दे 5 फुट 9 समथिंग 5 9 सही है भैया यार। लो भैया। तो गाइस आज हमको फाइनली अपने जो है ना हाइट पता चल गई 5 फुट 10 इंच। तो समझ सकते हो ना इससे पहले हमें नहीं पता थी। और गाइस यहाँ पे देख लो भाई ये लगा के रखे हैं भैया ये लगा करके रखे हैं भवन भाई ये देखो भाई सब बता रहा है शिवम भाई। इनका नंबर दे देंगे इलाहाबाद घूमना तो इन्हीं से कॉन्टेक्ट कर लेना भाई। ये देख लो भाई क्या है सामने ये छात्र संघ भवन। छात्र संघ भवन है सामने वाला। ये मेन भवन ये है वो सामने से एंट्री है। ओहो मेन भवन क्या है सामने से एंट्री वहाँ पे। और इधर क्या है आगे इधर हॉस्टल्स हैं इलाहाबाद में। अच्छा हाँ हाय कर दो हाय गाइस। बच्चे लोग इतने ध्यान से देखते हैं ना भाई कैमरे वगैरह को कि भाई पूछो मत मतलब ऐसा लगता है। क्यों शिवम होता है भाई लोग भाई जब पता है मतलब अपने घर के पास जब हम ब्लॉग शूट करते हैं ना भाई मेरे मोहल्ले वाले बड़े ध्यान से देखते हैं कि भाई कौन है ये मतलब मेरे घर के सामने वाले जो आज हमको अभी कॉल नहीं किए थे गाइस वो हमको भेजते कॉल करते बेटा आ जाओ मेरा लड़का जिद कर रहा है तुमसे मिलने के लिए। सोचो वो मेरी हवा टाइट हद कौन है भाई साहब। यहाँ चलते हैं चाय वगैरह जो है ना भाई पीते हैं। यहाँ तो यार बड़ा सेक्सी है यार सच में। ये देखो शिवम भाई कहाँ लेकर के आए हमको बताओ कहाँ कहाँ लेके आए हमको है। वैसे दो चाय आप क्या जो स्पेशल है वो बना दो। तो गाइस देख सकते हो भाई अभी जो है ना भाई शिवम के साथ बैठे हुए हैं आपने है ना। और भाई यहाँ पे जो ना पीछे आ जाओ आराम से बैठते जगह भाई बंदा बहुत सटीक जगह लेकर के आया भाई बहुत अच्छी जगह है यार बहुत अच्छी जगह। मतलब दो चाय से ऑर्डर करें इतना ढेर सारा मेन्यू है खाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी खा के ही आ रहे बस इसने बोला यहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है तो हमने कहा चलो चलते हैं होकर के आते हैं और चाय पीते हैं यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हो भैया जो है ना हमारे लिए चाय लेकर के आ गए हैं। और भाई क्या चाय क्या कप लेकर के आए यार एक नंबर। टी टेक अड्डा से भाई निकल चुके हैं और अभी जो है ना भाई चाय बहुत बढ़िया थी यार जो भी बोलो चाय अच्छी थी सच में जो है ना भाई चाय हमको अच्छी पिलाई है। और अभी जो है ना गाइस हम लोग जा रहे हैं भाई वापस कटरा नानी भाई पता नहीं छोटंकी सी गाड़ी में पाव पाव करके वाली साउंड लगवा लेते पता नहीं कौन सी मजा आ जाती है इन लोग को। गाइस ब्लॉग भी ना पूरी प्रॉपर ना कायदे तरीके से ना भाई बनाने नहीं देते सच में लोग जो ना पाव 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 वाली जो ना आवाज़ बना देते सच में। देखो मामा साथ है गाइस ये देखो रिकॉर्ड कर रहा था अपने आपको तो दिखाओ एक बार हमें दिखा दो हमें दिखाओ अच्छा साथ दिखाओ साथ में तो गाइस सब लोग को भाई इंतजार था कि आखिर कब जो है भाई मौसी का केक कटेगा क्योंकि गाइस मौसी की जो है ना गाइस एनिवर्सरी भी थी। और पता नहीं गाइस कैसा आ रहा है हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है लाइट वाइट आ रही है कि नहीं आ रही सही से। ये रखो अब लाइट अच्छी आ रही है फिलहाल। सो अभी जो है ना गाइस कटने वाला है भाई मौसी का केक और ले करके चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको भाई कि आखिर कौन कौन है भाई। और सब लोग जो है ना एकदम भाई तैयार हो गए एकदम फुल ऑन वाले इनको देखो यहाँ पे ये बैठी हुई हैं ये देखो गाइस तब आए हैं हाँ जब हमने उनको याद दिलाया। अच्छा लो क्या मौसी कम से कम मौसा जी ले गए तो हैं ये अच्छी बात है कि नहीं ओ बजरंग बली है ओ भाई बताएंगे जिया डॉक्टर का बात कर रहा था इलाहाबाद बस भी नहीं सूट करता डॉक्टर साहब तो कहते हैं बेटा पैदल आने की इजाजत तो नहीं देंगे। ये देखो भाई नानी जो है ना मौसा जी के जो तिलक लगा रही हैं ये देखो भाई मौसी के भी लग रहा है तिलक हैप्पी एनिवर्सरी मौसी बर्थडे। सो फाइनली गाइस इलाहाबाद वाला ब्लॉग जो है ना भाई यहीं से करते हैं खत्म। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरा ब्लॉग।
आईफोन है लड़का 360 और इसी तरीके की नई नई अमेजिंग वीडियो जो है गाइज आती रहेंगी ब्लॉग्स में। तो गाइज किसी ने भी अभी तक जो है पुराने ब्लॉग नहीं देखे हैं सो गाइज जा करके देखना और कमेंट करके बताना भाई किसको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और इस ब्लॉग में जो है किसको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है वो सब मेरे को बताना। बाकी आपको मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक ले गाइज टाटा टेक केयर गुड बाय मेरे दोस्तों।